खाना खा रहे हैं, बकरी की पलवी गाड़ी में मिल रही है। अरे चाचा घंटे हो गए मुझे, दो बस गई हैं उस पर, ऊपर आधी सवारी बैठ के गई हैं, अगर घुस जाओ तो निकल नहीं सकते, निकल लाओ तो बीच में फंस जाता है, बच्चा रो रहा था बहुत बुरी तरह से, बताओ क्या करें, और ऊपर बैठ के सवारी जा रही तो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। हम लोग को आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से हमें बस आई हुई दो दो आकाशगंज की, लेकिन हमें वहाँ पर जाने को ही नहीं मिला क्योंकि इतनी भीड़ थी कि लोग छत पे जा के बैठे हैं, उनको जाने ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, कोई भी डकरम नहीं है कि आपको कैसे जाना है, कहाँ बैठना है, कुछ नहीं। लोग छत पे इतना ज़्यादा, आप देखिए खुद ही इसको, बस को कितने ज़्यादा चढ़े हुए हैं, बस के अंदर भी जगह नहीं है ना बस के बाहर। बस लगाई हैं, बसों के फेरे बढ़ाए हैं, जैसे कासगंज मथुरा इटा की जो बस हैं उनके फेरे बढ़ाए गए, जो बस तीन चक्कर में चलती थी वो चार चक्कर में चलाई जा रही है। ये तो भैया ये है कि जब जनता एक टाइम में एक साथ निकलेगी तो संसाधन तो उतने ही होते हैं, उनको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसकी कोई बसें खरीदी जा सकें आज के एक दिन के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बसें यात्रियों को बैठा ला जाए। यहाँ पे ARM भी हैं, रात को ARM RM SM सभी बैठे थे, सभी अधिकारी थे, अब भी छः छः लोग यहाँ लगा रखे हैं और बसें भी मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन ये त्यौहार का टाइम होता है, फेस्टिवल पर होता ही यही है कि सारी जनता एक साथ निकलती है, तो बस तो UPSRTC में जितनी बसें वही हैं उनके फेरे बढ़ाए जा सकते हैं और कोई उसका चारा नहीं है।